हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जानेंगे हम डिफरेंस बिटवीन PUP3 एंड IMAP। तो PUP3 की फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP के फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। बोथ आर MAA मैसेज एक्सेसिंग एजेंट। ये दोनों क्या करते हैं, मैसेज एक्सेसिंग एजेंट का वर्क करते हैं। बोथ ऑफ दीज प्रोटोकॉल यूज टू रिट्रीव मैसेज फ्रॉम द मेल सर्वर टू रिसीवर सिस्टम। ये जो है POP3 और IMAP ये जो है मेल को रिसीव करने के लिए वर्क करते हैं। मेन इनका यही काम है मेल को रिसीव करना। POP एक पुराना वर्जन है और IMAP एक एडवांस वर्जन है। मेल सर्वर दोनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है और POP3 में जो कमी थी वो जो है IMAP के द्वारा उसे दूर किया गया है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। POP इज अ सिंपल प्रोटोकॉल डेट ओनली अलाउ डाउनलोडिंग मैसेज फ्रॉम योर इनबॉक्स टू योर लोकल कंप्यूटर। IMAP इज अ मच मोर एडवांस एंड अलाउ यू द यूजर टू सी ऑल द फोल्डर ऑन द मेल सर्वर। POP3 द POP सर्वर लिसन ऑन पोर्ट 110 एंड द POP विथ SSL सिक्योर POP3 DS सर्वर लिसन ऑन पोर्ट 995। IMAP सर्वर लिसन ऑन पोर्ट 143 एंड द IMAP विथ SSL सिक्योर IMAP DS सर्वर लिसन ऑन पोर्ट 993। POP3 After downloading the message, exist in the local system. If the local system crashes, message is the lost. IMAP multiple redundant copy of the message or kept at the mail server in case of loss of message of local server. The mail can still be retrieved. बेसिकली ये दोनों प्रोटोकॉल ही हैं POP3 एंड IMAP। और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अगर आप एक डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप मोबाइल, और ईमेल को लॉगिन करना चाहें तो आप लॉगिन कर सकते हैं। POP3 आप यूज करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर मेल सेंड करता है तो आप हार्ड डिस्क में उसके जो है मेल सेव हो जाता है, मेल सर्वर से मेल वहां से हट जाता है। अगर आप अपने सिस्टम से डिलीट करते हैं तो परमानेंट वो डिलीट हो जाता है, उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। जबकि IMAP ऐसा नहीं है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। अगर आप ईमेल एक से ज़्यादा डिवाइस में यूज करते हैं तो IMAP आप यूज कर सकते हैं। IMAP का यूज इसलिए करना चाहिए ताकि ये सर्वर पे आपकी जो है आप मेल सेव रहता है। इसमें जो भी मेल आपके आता है वो सर्वर पर एक्सेसेबल होता है। अगर आप डिवाइस से डिलीट भी कर देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मेल सर्वर से जाकर उसे आप मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं।